कोई आपसे अगर ये सवाल कर दे कि आज के डेट में 20,000 रुपया में सबसे अच्छा 5G फोन कौन सा है, आपको समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं टॉप 5 ऐसे फोन बताने वाला हूं जो कि आपको 20,000 रुपया या उसके नीचे आने वाले हैं। ये काफी रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने टॉप 5 फोन्स लाया हूं जो कि आप किसी भी नंबर से आप उसको परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पांचवा नंबर पर जो आने वाला है वो बिल्कुल खराब है, आप उसको भी ले सकते हैं। आपको जो कंपनी पसंद आ जाए आप उसके तरफ से जा सकते हैं जिसके साथ आप यूज टू हैं। तो सारे फोन्स का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहीं से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर बजा दीजिए ताकि समय पर आपको इस चैनल के वीडियोज आपको मिल जाए। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए वीडियो का करते हैं शुरू। दोस्तों पांचवें नंबर के फोन के बारे में अगर बात किया जाए तो Redmi की तरफ से आने वाला Redmi Note 12 5G है जो कि 6GB और 128GB वाला वेरिएंट आपको 18,999 रुपया में देखने को मिल जाएगा। आपके पास अगर कोई कार्ड है तो और कम में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स, और इस वीडियो में जो फोन भी बताऊंगा दोस्तों उसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात करूंगा, पूरा डिटेल नहीं करने वाला हूं क्योंकि डिटेल में बहुत समय चला जाएगा। इसलिए आप अगर कोई फोन पसंद करते हैं तो उसके डिटेल के लिए और वीडियोस देख सकते हैं या आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से आप इसके स्पेसिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों Redmi Note 12 5G के बारे में जान लेते हैं। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात किया जाए तो सुपर एमोल डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा कि 1200 निट्स तक इसकी पीक ब्राइटनेस जा सकती है और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ आपको इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। सबसे कमाल की बात है कि इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का इसमें दिया गया है और 5 फोन के लिस्ट में पहला फोन है जिसमें ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा और हर लिहाज से ये बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है और लंबे समय तक ये आपको कमाल का परफॉर्मेंस देने वाला है। इसके हर सेगमेंट में आपको कमाल का धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। आप इस पर मत जाइए कि ये पांचवा नंबर पर है, ये इसकी किस्मत है, लेकिन हाँ ये फोन बहुत ही कमाल का है। अगर आपके बजट में ये जाता है तो आंख बंद करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये जो फोन है ऑक्टा कोर 5G प्रोसेसर के साथ आता है और इसके कैमरे की बात कर लिया जाए तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी AI सेंसर है, AI है इसका, और 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको डेप्थ कैमरा के लिए, माइक्रो कैमरे के लिए 2 मेगापिक्सल का छिटपुट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इसकी सेल्फी की बात किया जाए तो इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि फोटो ठीक ठाक आपको इस प्राइस सेगमेंट में निकाल करके देता है। 33 वाट चार्जर के साथ ये आपको आएगा, 5000 mAh की इसमें तगड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि आपको 1 डे बिल्कुल धमाकेदार यूज करने के बाद आपको निकाल करके दे देगा। और 5G का 2 SIM आप लगा सकते हैं नैनो, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दोस्तों अब चौथे नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथे नंबर का जो फोन है ये भी बहुत ही इकलौता फोन है इस टॉप 5 लिस्ट में। अगर आप मोटो लवर हैं तो मोटोरोला की तरफ से मोटो G73 बहुत ही शानदार 5G फोन है जो कि आपको 17,999 रुपया में 8GB और 128GB वेरिएंट के साथ अवेलेबल है। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 6.5 इंच के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसका डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है। तो MediaTek Dimensity 930 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि ये जो टॉप 5 लिस्ट में है ये एक लौता इसमें ऐसा चिपसेट देखने को मिल जाएगा और ये मोटोरोला की तरफ से बहुत ही इसकी तारीफ की गई थी, हाइप क्रिएट किया गया था और ये कुल मिलाकर बिल्कुल शानदार है। गेमिंग, फोटोग्राफी, वीडियोस के लिए आप इसको ऑलराउंडर की तरह आप यूज कर सकते हैं। अगर इसके कैमरे की बात कर लिया जाए तो 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के साथ प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें 2MIUI अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है मोटोरोला की तरफ से जो कि फोटो कमाल का निकाल कर देता है इस प्राइस रेंज में। सेल्फी 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक निकाल कर देता है। मोटोरोला के साथ दोस्तों दिक्कत यह है कि इसमें जो अपडेट है वो बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल कछुआ की तरह है। तो आप इसको अगर मैनेज करते हैं और अगर आप मोटोरोला यूज करते आए हैं, आप इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप मोटोरोला की तरफ जा सकते हैं। वरना आप अगर अपडेट के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि हर समय नया नया अपडेट आते रहे, पर महीना कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए, तो आप इस फोन को बिल्कुल नहीं लीजिए क्योंकि अपडेट में बिल्कुल निराश करने वाला है। और दोस्तों अगर अगले फीचर्स की बात कर लिया जाए, ड्यूल सिम 5G के साथ आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर अगले फोन की बात कर लिया जाए जो कि तीसरे नंबर पर है जो कि Realme 10 Pro 5G है, आपको 6GB 128GB वेरिएंट 18,999 रुपया में देखने को मिल जाएगा। अगर आप 8GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो 20,000 रुपया तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर इसके डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो फुल HD LCD डिस्प्ले दिया गया है, ये 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो रिफ्रेश रेट के मामले में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल फास्ट
एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। प्रोसेसर भी अच्छा है, स्नैपड्रैगन का 695 5G का चिपसेट है जो कि ऑक्टा प्रोसेसर है और ये हर लिहाज से कैपेबल है। इस प्राइस सेगमेंट में जो भी प्रोसेसर है बिल्कुल 5G के लिए पर्याप्त है, आपको कोई निराश नहीं करने वाला है, हैंग लैग कुछ नहीं होने वाला है। तो रियलमी की तरफ से आपको प्राइमरी कैमरा 2 देखने को मिल जाएगा जो कि प्रो लाइट कैमरा रियलमी बोलता है, 108 मेगापिक्सल का शानदार कैमरा है। और अगर आप गोरे होना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम गोरा ही रहे हैं फोटो जब ले तो बिल्कुल गोरे हैं बिना पाउडर के, तो ये फोन आपके लिए है क्योंकि इसका कैमरा आपको AI के द्वारा प्रो लाइट कैमरा जो है आपको गोरा बना करके देगा। और 2 मेगापिक्सल का एक बेकार का कैमरा इसके साथ चिपकाया गया है जिसके बारे में बात ही करना बिल्कुल बेकार है। फ्रंट कैमरे की बात कर लिया जाए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल धमाकेदार है और हर कोई यही प्रदान करेगा आपको, गोरा भी आपको करके दे देगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल गोरा ही रहना है। और सब फोन्स की तरह इसमें भी 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा, डबल सिम के साथ आपको नैनो सिम 5G का दोनों आपको वर्क करेगा एक साथ, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इस फोन में। दोस्तों अब दूसरे नंबर की बात कर लिया जाए तो दूसरे नंबर का जो फोन है बिल्कुल स्पेशल है और ये मेरा फेवरेट भी है। इस फोन के बारे में थोड़ा सा विवाद भी है कि OnePlus ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ OnePlus की तरफ से Nord C3 Lite 5G, कितना बड़ा नाम है, लग रहा है कि कोई महापुरुष के नाम ले रहे हैं। ये महापुरुष जो है OnePlus की तरफ से ये जो फोन है आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट 20,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। आपके पास कार्ड है आप और कम करवा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जब दूसरे नंबर पर ये है तो इसकी कुछ खासियत की बात कर लेते हैं, इसकी कुछ तारीफ कर लिया जाए, इसकी कुछ फीचर्स की बात कर लिया जाए। तो सबसे डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो इसका जो डिस्प्ले है हमेशा की तरह OnePlus का बहुत ही खास डिस्प्ले है। इसमें फुल HD प्लस प्लस LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, 6.7 इंच का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। इसका मतलब जो इसका रिफ्रेश रेट है आप जैसे जैसे यूज कीजिएगा ये बढ़ते घटते रहेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, जिसकी वजह से फायदा क्या होगा कि आपका बैटरी बैकअप जो है आपके फोन का वो बढ़ने वाला है। OnePlus की तरफ से ऑक्सीजन OS 13.1 का आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 550 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस भी जाती है, तो बाहर में आपको ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, आपको साफ साफ दिखाई देगा। दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात कर लिया जाए तो जो अभी मैं Realme के बारे में बात किया इसके ऊपर, उसी का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 5G का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि गेमिंग वीडियोस रिकॉर्डिंग और जनरल यूज में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है। 5G के लिहाज से ये चिपसेट बिल्कुल तैयार है, आप इसको यूज कीजिए, रेडी टू 5G है। अगर इसकी बैटरी की बात कर लिया जाए तो बैटरी भी आपको 5000 mAh की देखने को मिल जाएगी। सबसे कमाल की बात है कि आपको 67 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको बहुत तेज गति से आपका फोन बिल्कुल चार्ज करके देगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके कैमरे के बारे में बात कर लिया जाए, जी हाँ कैमरा हर किसी को चाहिए, हर किसी को अच्छी पिक चाहिए, तो कैमरे की बात कर लिया जाए तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, EIS का सपोर्ट है और 2 मेगापिक्सल का और आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, बेकार बिल्कुल उसके बारे में क्रॉस बात ही नहीं करना है। सेल्फी आपको 16 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको ठीक ठाक निकाल के देगा, ऐसा नहीं है कि औसम लेवल का। तो 5 फोन अंडर 25K का लाने वाला हूँ, उसमें आपको औसम लेवल का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियोज में आपको कोई फोन सेलेक्ट करने में मजा नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, तो मेरे नेक्स्ट वीडियोज का आप वेट कीजिए, उसमें आपको शायद पसंद आ जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 1 राजा महाराजा जिसका इंतजार आप भी कर रहे थे कि नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ आज के वीडियो का नंबर 1 का जो विजेता है उस फोन के बारे में जो कि 20,000 रेंज तक का सबसे धमाकेदार फोन है, आंख बंद करके आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको कोई फोन नहीं ऊपर का पसंद आया है तो इसके तरफ बिल्कुल जाइए, मेरी बात मानिए और खरीद करके कमेंट जरूर कीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और इतने जो फोन्स मैंने बताया उस फोन का एक्सपीरियंस कोई देख रहे हैं आपके पास है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर से कमेंट कीजिए ताकि जो लोग वीडियोस आगे देखेंगे उनको हेल्प हो जाएगी उसको खरीदने में, तो इसलिए आप जरूर से कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और अगर मेरी बात से सहमत नहीं है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है भाई, बिल्कुल कमेंट्स कीजिए। तो नंबर 1 पर जो फोन है रेडमी की तरफ से K50i, जी हाँ 6GB 128GB वेरियंट आपको 20,999 में देखने को मिल जाएगा कार्ड पर, और आपको 1,000 देखने को मिल जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए आप कार्ड वगैरह का व्यवस्था कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के, क्यों खास है और क्यों नंबर 1 पर है ये रेडमी K50i का फोन। दोस्तों तो इसके डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो 144Hz का डिस्प्ले है, इसके पहले किसी में नहीं था बिल्कुल, हाँ इसमें 144Hz का FF डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल लिक्विड की तरह चलेगा, बिल्कुल शानदार है, मजेदार है। फुल HD प्लस 6.6 इंच का डॉल्बी विजन डिस्प्ले है, कोई साधारण डिस्प्ले नहीं है, इसलिए ये नंबर 1 पर है, इसके स्पेसिफिकेशन कुछ खास है। प्रोसेसर भी है डायमेंसिटी 8150C ब्यूल TSMC S 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है,
LPDDR5 का रैम है जो कि बहुत फास्ट है, UFS का स्टोरेज 3.1 है जो कि आप जानते ही हैं कितना फास्ट काम करेगा, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल कमाल का फोन है। अब दोस्तों इसके कैमरे की बात कर लिया जाए कि कैमरा कैसा है इस फोन का, तो इसका कैमरा 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आजकल के जो स्मार्ट कैमरे हो गए हैं इसको हटा दिया है, कोई यूज नहीं रहता है। अब यूज करते हैं तो जरूर से कमेंट में बताइए कि मैं 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा यूज करता हूं। तो दोस्तों कैमरा अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है, इस प्राइस रेंज में आप 108 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल पर मत जाइए, इसमें कैसा सेंसर इस्तेमाल किया गया है उस पर जाइए। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का शानदार कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, आप मजेदार आवाज इसकी सुन सकते हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है। साथ ही साथ आप हेडफोन जैक इस्तेमाल कर सकते हैं, 3.5 mm का जैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी बैटरी 5080 mAh की है जो कि सबसे ज्यादा है, टॉप 5 लिस्ट में जो फोन मैंने बता रहा उसमें सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप इसका ही है। 67 वाट का टर्बो चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, डबल सिम है, आपको दोनों 5G एक साथ यूज कर सकते हैं। टॉप 5 फोन का लिस्ट है, इसमें कौन सा फोन आपको पसंद आया, परचेज करने वाले हैं कमेंट में बताइए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए वीडियो में लाता हूँ रिसर्च करके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक कमेंट छोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।